हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेयर केस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको डिजाइन करते वक्त ध्यान में रखनी है। जैसे हो कि आपका विड्थ कितना होना चाहिए मिनिमम, और भी बहुत कुछ। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कुछ क्वेश्चन, मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग का जो मिनिमम विड्थ है वो कितना होना चाहिए, उसके बाद ट्रेड और राइजर का जो सबमिशन होता है वो कितना होना चाहिए, कितना से कितना के बीच में रहना चाहिए, एंगल क्या है साइज ट्रेड राइजर का। उसके बाद कुछ हम लोग एक सम्स भी लास्ट में करेंगे, थोड़ा बड़ा सम्स है ये वाला सम्स हम लोग करेंगे उससे, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड साइज ऑफ ट्रेड एंड राइजर, नंबर ऑफ राइजर कैसे निकालते हैं, मिनिमम विड्थ ऑफ फ्लाइट कितना होना चाहिए, ये सब कुछ पैरामीटर्स के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। एक चीज, आज हम स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, पूरा जो बात करेंगे आर्किटेक्चरल पैरामीटर्स के ऊपर बात करेंगे। जब आप आर्किटेक्चरल व्यू से स्टेयरकेस को डिजाइन करते हो तो आप लोगों को क्या क्या चीज ध्यान रखना है वो मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका क्या जवाब है, ठीक है। तो सवाल था, कंपेयर टू माइल्ड स्टील कास्ट आयरन हैज, माइल्ड स्टील के साथ कंपेयर करते हुए कास्ट आयरन का यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको बताना था, ठीक है। जिसमें ऑप्शन था आपका हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो हमेशा याद रखिएगा, कास्ट आयरन का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो हाई होता है कंपेयर टू माइल्ड स्टील, बट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है ना वो लो होता है कंपेयर टू माइल्ड स्टील। तो ऑप्शन क्या होगा, वन नंबर और फोर नंबर, ठीक है। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे तो इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे बहुत सारा प्लेलिस्ट है, बीबीएस का हो गया, आईएएस कोड लेक्चर का हो गया, क्वांटिटी एस्टिमेट, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी चेकलिस्ट हो गई, सिविल की कॉन्क्रीट वॉल्यूम सर्वेइंग, ये सब पे बहुत सारी वीडियोज है। आप जाकर इन सब वीडियोज को देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं ताकि आपके इंटरव्यू में आपको बहुत सारी हेल्प हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और एंड में क्वेश्चन के लिए रेडी जरूर रहिएगा, जो क्वेश्चन आप से पूछूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर बताऊंगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग स्टेयर केस जो होता है। सपोज मान लीजिए ये आपका स्टेयर केस है, मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है। ये आपका लैंडिंग, ये लैंडिंग, ये बीच से आपका फ्लाइट है दो, ठीक है। ये वाला फ्लाइट इधर हो गया और ये फ्लाइट इधर हो गया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट लैंडिंग, ये सेकंड लैंडिंग, यहां से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, और ये इधर ये अप है, मतलब ये नीचे है, यहां से ऊपर जाओगे ये मिड लैंडिंग, फिर ये उधर जाना है, ठीक है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन, देखिए ये मिड लैंडिंग है, ये मिड लैंडिंग है, ठीक है, समझ गया। तो मिनिमम विथ ऑफ लैंडिंग, लैंडिंग का जो ये लेंथ होता है और ये विथ होता है इतना सा, ठीक है, इतना सा जो होता है ये विथ होता है। तो यही पूछ रहा है कि मिनिमम विथ कितना होना चाहिए इस लैंडिंग का। तो ये हमेशा याद रखिएगा, फ्लाइट जो होता है ना, फ्लाइट का जो विथ रहेगा उतना तो आपको पकड़ना ही होगा मिनिमम आपको विथ लैंडिंग का। फ्लाइट, अब देखिए फ्लाइट मतलब आपका ये पूरा नहीं हो गया, ये सिंगल फ्लाइट है, ठीक है, ये एक फ्लाइट है, ये एक फ्लाइट है। तो सिंगल फ्लाइट का जो आपको विथ मिलेगा ना वही सेम यहां पे आएगा, समझ गए। तो मिनिमम विथ ऑफ लैंडिंग क्या होगा, इक्वल टू विथ ऑफ फ्लाइट, ठीक है, इक्वल टू विथ ऑफ फ्लाइट। एक फ्लाइट का जो विथ होगा, एक फ्लाइट का जो ये विथ होगा, टोटल मत पकड़ लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक फ्लाइट का जो विथ होगा वो सेम ये होगा, ठीक है, उतना आपको मिनिमम पकड़ना ही है। थोड़ा ज्यादा करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम तो उतना रखना ही होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ ट्रेड एंड राइजर मस्ट लाई इन बिटवीन। ट्रेड एंड राइजर, ट्रेड आप जानते हो क्या किसको बोलते हैं, सीढ़ी का जो ये होता है ना, तो ये वर्टिकल पार्ट जो होता है ये राइजर है, और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये मेरा ट्रेड है। तो एक जनरल थंब रूल काम करता है, यहां मैं जो बता रहा हूं आप लोगों को वो पब्लिक के लिए नहीं बता रहा हूं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए बता रहा हूं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये ट्रेड प्लस जो राइजर करेंगे हम लोग, ये हम लोग का लाई करना चाहिए 400 से 450 mm के बीच में, ठीक है, 400 से 400 mm टू 450 mm के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है, ना 400 से कम हो जाएगा ना 450 से ज्यादा हो जाएगा रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो सम ऑफ ट्रेड एंड राइजर मस्ट लाइन बिटवीन 400 mm टू 450 mm, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इन गुड स्टेयर मैक्सिमम एंड मिनिमम पिच शुड बी, ये क्या बोलना चाह रहा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम पिच शुड बी, पिच मतलब एंगल बोल रहा है, ठीक है, स्लोप बोल रहा है सीढ़ी का। ये जो स्टेयर होता है ना, ऐसे स्टेयर होता है हमारा, तो ये जो है
हॉरिजेंटल के साथ ये जो पिच, ये जो एंगल बनाता है, ये कितना होना चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम? तो मैक्सिमम हमेशा याद रखिएगा 40 डिग्री, और मिनिमम कितना होना चाहिए? 25 डिग्री। ठीक है, 25 से कम नहीं होना चाहिए, 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए होता है बहुत रेयर केस में जब आपको प्रॉब्लम हो रहा है बैठाने में सीढ़ी तब, लेकिन 25 से 40 के बीच में अगर आप सीढ़ी रखते हो तो आपको चढ़ने में उतना दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो 25 से 40 परफेक्ट होता है 33 डिग्री। ठीक है, 30, 33, 34, 35 ये परफेक्ट होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको चढ़ने में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा मैक्सिमम 40 डिग्री, मिनिमम 25 डिग्री। अब मिनिमम विथ ऑफ फ्लाइट, ये जो फ्लाइट है, मैं बोला था ना ये फ्लाइट है आपका, ये एक फ्लाइट का जो विथ है ये कितना पकड़ेंगे मिनिमम? तो आप ये सोचो, जब हम लोग ये कंसिडरेशन जो करेंगे ये कैसे करेंगे, ऐसे कंसिडरेशन करेंगे, सपोज एक सीढ़ी है, मैं इधर से चल रहा हूं और उधर से एक आदमी आ रहा है, तो हम भी पास हो जाए और वो भी इधर से चला जाए, तो दोनों आदमी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग को विथ को डिजाइन करना पड़ता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 900 mm आपको मिनिमम रखना होगा। ठीक है, तो मिनिमम विड्थ ऑफ फ्लाइट कितना रखना होगा? 900 mm। बेटर अगर आपके पास जगह है तो 1 मीटर जाओ, 1100 जाओ, अच्छा रहेगा, लेकिन 900 बहुत, जब आपके पास जगह नहीं रहता है तो मिनिमम तो आपको 900 पकड़ना ही है, इससे कम आप नहीं कर सकते। पहले 850 बोलता था आदमी लोग, लेकिन अभी नहीं है, अभी 900 आपको रखना होगा मिनिमम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 900 mm किसको बोल रहा हूँ? ये फ्लाइट, एक जैसे एक फ्लाइट ऊपर चढ़ रहे ना सीढ़ी में, तो ये एक फ्लाइट का 900 mm ऊंची है। अब नंबर ऑफ राइजर निकालने का फॉर्मूला, तो सीढ़ी जो होता है ना, ये सीढ़ी है सपोज, ये सीढ़ी, ठीक है, तो ये वर्टिकल पार्ट जो है ये राइजर है मेरा, तो ये राइजर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये राइजर डिपेंड करता है आपके ट्रेड पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ राइजर का फॉर्मूला होता है ट्रेड प्लस वन, ट्रेड प्लस वन, ट्रेड निकाल दो उसमें एक ऐड कर दो तो आपका क्या होगा, निकल जाएगा। अब एक चीज देखिए, ये नंबर ऑफ राइजर ट्रेड प्लस वन है ना, ये फॉर वन फ्लाइट के लिए, बहुत सारे वीडियो में ये चीज मेंशन नहीं करते हैं, फॉर वन फ्लाइट ओनली। ठीक है, एक फ्लाइट के लिए ही एक ऐड होगा, अगर दो फ्लाइट हो जाता है तो आपको दो ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, एक फ्लाइट के लिए एक ऐड होता है, दो फ्लाइट अगर हो जाता है तो ट्रेड टोटल निकालना, ट्रेड में आपको दो ऐड करना होगा, दो हमेशा याद रखना। ठीक है, ये एक फ्लाइट के लिए वन ऐड हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आप देखिए स्टैंडर्ड साइज ऑफ ट्रेड एंड राइजर, ये जो ट्रेड एंड राइजर है ना, इसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए? तो ट्रेड का स्टैंडर्ड साइज होता है हमारा 250 mm, ठीक है, 10 इंची, और राइजर का होता है 6 इंची, मतलब 150 mm। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ट्रेड एंड राइजर समझ में आ गया, 250 और 150 mm। ठीक है, ये 6 इंची है, ये 10 इंची है। अब लास्ट में मैं एक सवाल रखा हूँ आप लोगों के लिए, ये सवाल के लिए करके देखते हैं तो आप लोग का ट्रेड एंड राइजर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा। देखिए एक क्या बोला है, हाइट बिटवीन फ्लोर इज इक्वल टू 3 मीटर। सपोज मान लीजिए दो फ्लोर है, एक फ्लोर ये है, एक फ्लोर ये है, ठीक है, ये वाला एक फ्लोर है, ये वाला एक फ्लोर है। अब ये दोनों फ्लोर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना रखा है? 3 मीटर। इसको मिलीमीटर में करोगे तो कितना आएगा? 3000 मिलीमीटर। ठीक है, 3000 मिलीमीटर। तो एक फ्लोर से एक फ्लोर का डिस्टेंस यहां बोल दिया है 3 मीटर। अब क्या बोला है, राइजर का आपको हाइट बोल दिया है 150 mm लेना है, 6 इंची लेना है। ठीक है, एज्यूम टू फ्लाइट बिटवीन द फ्लोर, एक फ्लोर से एक फ्लोर में जाने के लिए दो फ्लाइट आपको एज्यूम कर लीजिए, दो फ्लाइट आपका आ रहा है, एक फ्लाइट से मिड लैंडिंग पे गया, फिर एक फ्लाइट से फुल लैंडिंग पे, मतलब फ्लोर पे चले गए। ठीक है, ऐसे केस में फाइंड नंबर ऑफ ट्रेड एंड राइजर। ठीक है, ये अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो ये गलत कर दोगे आप। चलिए, राइजर का तो यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है ना, मुझे पता करना है नंबर ऑफ राइजर। तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला देखोगे नंबर ऑफ राइजर में, देखिए ट्रेड प्लस वन, तो हमें तो ट्रेड पता ही नहीं है तो ये फॉर्मूला तो ये लगने वाला ही नहीं है। लेकिन एक चीज देखिए, इस तरीके से भी नंबर ऑफ राइजर निकलता है, नंबर ऑफ राइजर जब आपका फ्लोर टू फ्लोर डिस्टेंस दिया हो तो यहाँ पे लिख दीजिए फ्लोर टू फ्लोर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई एक राइजर का जो आपको लेंथ मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे राइजर लेंथ या राइजर हाइट, राइजर जो भी लिखना है लिख लो, समझने से मतलब है आपको। तो फ्लोर टू फ्लोर डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? 3000 मिलीमीटर, मिलीमीटर में करता हूँ सारा। और राइजर लेंथ कितना? ये
150, काटो इसको 15 से कटेगा ये 2, 20 मतलब 20, ठीक है 20 नंबर्स राइजर मेरा निकल गया। ठीक है आप एक चीज देखिए, जब राइजर यहां से मुझे यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड नंबर ऑफ ट्रेड एंड राइजर, जिसमें मेरा राइजर निकल चुका है, ठीक है राइजर निकल गया, राइजर कितना आने वाला है 20 नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ राइजर कितना है 20। आप एक देखिए हम लोगों को क्या निकालना है, ट्रेड निकालना है। अब राइजर इज इक्वल टू ट्रेड प्लस 1 होता है, ठीक है ये लिखते हैं राइजर इज इक्वल टू ट्रेड प्लस 1, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड निकालना है मुझे, तो ट्रेड को पहले रख लेते हैं, और ट्रेड रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब राइजर माइनस 1, राइजर माइनस 1, तो ट्रेड कैसे निकलेगा, राइजर से 1 माइनस करना होगा। अब एक चीज देखिए, ये हमारा था एक फ्लाइट के लिए, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है एज्यूम टू फ्लाइट्स बिटवीन द फ्लो, दो फ्लाइट ना, तो क्या करेंगे हम लोग माइनस 2 करेंगे, समझ में आ गया, माइनस 2 करेंगे, दो फ्लाइट है तो राइजर टोटल कितना है 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा 18, तो 18 नंबर्स हमारा ट्रेड हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, तो समझ में आ गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि मेरा वेबसाइट है नीचे, उस पे जाके लो, वो अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से वहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ही लेना है तो वहां से ले लो, क्योंकि प्रॉपर लोगे कोई क्वेश्चन के साथ आंसर बना हुआ सारा मिल जाता है, यहाँ पे बहुत कुछ शॉर्टकट में लिखता हूँ तो समझने में भी आप लोग को दिक्कत होगा, तो वहां चले जाओ और ले लो, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, और हाँ आज का सवाल, आज का जो सवाल है, वॉट इज फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है, तो ब्रेकअप आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश बॉन्ड फ्लेमिश बॉन्ड, तो मैं आज पूछ रहा हूँ व्हाट इज फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है, इस कमेंट में चले जाओ, और जिसको जिसको पता है जल्दी से कमेंट भर दो अपना, बताओ कि हाँ, देखिए इससे आपका रिवीजन ही होगा, ठीक है, जाके कहीं से गूगल मत करना, जो आप जानते हो वही आप कमेंट में जाके लिख दो, ठीक है। तो व्हाट इज फ्लेमिश बॉन्ड, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जवाब बताऊंगा जो राइट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें कोई कंजूसी मत कीजिएगा, वरना जो मैं वीडियो डालूंगा वो मिस हो जाएगा आपसे। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो फिर कुछ नया लेके आऊंगा, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।